महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनावी बिगुल फूकने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को झारखंड पहुंच रहे हैं। मिशन 65 पर नजर रखते हुए पीएम मोदी झारखंड पर सौगातों की बरसात करेंगे। पीएम मोदी बुधवार को रांची में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना सहित कई विकास योजनाओं का आगाज करेंगे। किसान मानधन योजना के तहत 3,000 रुपए पेंशन के तौर पर किसानों को दिए जाएंगे। बिहार से अलग राज्य बनने के करीब 19 साल बाद झारखंड को आज शानदार विधानसभा भवन मिलने जा रहा है, जिसका उद्घाटन भी पीएम मोदी करेंगे। पीएम मोदी झारखंड सचिवालय के नए भवन की भी आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी साहेबगंज के मल्टी मॉडल हब का उद्घाटन करेंगे। इसके शुरू होने से जलमार्ग से लोग सस्ती दरों पर माल की ढुलाई कर सकेंगे। ये ढुलाई बांग्लादेश, म्यांमार समेत कुछ दूसरे देशों को भी हो सकेगी। आदिवासियों को साधने के लिए पीएम मोदी 462 एकलव्य मॉडल स्कूल की जहां ये से ऑनलाइन आधारशिला रखेंगे। इनमें से 69 स्कूल झारखंड में खोले जाएंगे। एकलव्य मॉडल स्कूल की स्थापना उन प्रखंडों में होगी जहाँ अनुसूचित जनजाति की आबादी 50% से ज्यादा हो या उनकी जनसंख्या 20,000 से अधिक हो। इसकी स्थापना केंद्र और राज्य सरकार मिलकर करेगी। बता दें कि झारखंड में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में 65 से अधिक सीटें जीतने का टारगेट रखा है, जबकि बीजेपी 2014 के विधानसभा चुनाव में 37 सीटें ही जीती थी। बीजेपी के सहयोगी आजसू को 5 सीटें मिली थी। बीजेपी को 2014 के चुनाव में 31.3% वोट मिले थे। बीजेपी इस बार के चुनाव में अपना वोट प्रतिशत बढ़ाना चाहती है। इसे 50% तक ले जाने की योजना है।